चलो कल भी आप आए थे? जी सर। अच्छा मतलब कल का आपने पूरा अपना बेसिक पूरा याद कर लिया? जी सर। अच्छा एक बार हम पूछ सकते हैं आपसे? जी सर। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और इंग्लैंड की? लंदन। यूनाइटेड किंगडम की? लंदन। वाह इन्हें याद हो गया। इसे कहते हैं असली टीचिंग। अगर आप अगर जो जो यूट्यूब पर डाल रहे हैं उनसे उम्मीद है जितने स्टूडेंट्स रख रहे हैं ध्यान रखें कि उन्हें एकदम कड़क ट्रेनिंग दी जाए। कड़क ट्रेनिंग से ही ये बच्चा अच्छे से लर्न हो सकता है। चलिए हम शुरू करेंगे लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि लैंग्वेज का मतलब होता है भाषाएँ। और भाषाएँ हम लोग कैसे बोल सकते हैं? जैसे हम बोल रहे हैं हिंदी एक तरह की भाषा हो गई। इंडिया की सबसे बड़ी भाषा ये है। पर आजकल का भाषाएँ मतलब कि अब आजकल इंग्लिश का ज़माना हो गया। हाँ इंग्लिश बहुत ज़रूरी लर्न हो गया है। तो इसलिए इंग्लिश आप इंग्लिश अगर आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे इंग्लिश में केवल आई माई ना माई नेम इज दिस इट इज़ देयर इट इज़ देयर अगर आप इंग्लिश कहना सीख जाएंगे तो आप बहुत जल्दी ही यहाँ इस गली इस सोसाइटी मशहूर हो जाएंगे। हाँ चलिए अब हम लोग पूछ रहे हैं लैंग्वेज मतलब भाषा भाषाएँ पूरे दुनिया की भाषाएँ कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं भाषाएं कौन कौन से जगह की कहाँ कहाँ। इंडिया का हिंदी, इटली का इटालियन, फ्रांस का फ्रेंच, जर्मनी का जर्मन, जी सर, ग्रीस का ग्रीक, जी सर, रशिया का रशियन, जी सर, स्विट्जरलैंड का फ्रेंच, जी सर, रोमानियन, जर्मन एंड इटालियन, जी सर। मैंने इसमें यहाँ पे लिखा भी मतलब कि देखिए मतलब कि आप स्विट्जरलैंड देख रहे हैं। स्विट्जरलैंड में बहुत से भाषा कहे जाते हैं। 1 2 3 4 भाषाएं कही जाती हैं। अगर मतलब कि स्विट्जरलैंड की खुद की भाषा नहीं हो सकती और उसका खुद का वो है रीजन स्विस है मतलब हम लोग यहाँ पर स्विस भाषा नहीं कर सकते क्योंकि इटली का इटालियन, जी सर बोलिए भी आप रिपीट करते रहिए। इटालियन और फ्रांस का फ्रेंच जर्मनी का जर्मन ग्रीस का ग्रीक रशिया का रशियन स्विट्जरलैंड का फ्रेंच रोमानियन जर्मन एंड इटालियन। आप चार दोनों तीन चारों में से कोई एक कह सकते स्विट्जरलैंड तो कंट्री हो गई ना लैंग्वेज बताने हैं बोलते रहे फ्रेंच रोमानियन जर्मन इटालियन। देखिए मैंने इसी में से बताया है इटालियन फ्रेंच जर्मन रोमानियन इधर है ये फेक होती है करने की। बोलिए अब बोलिए स्विट्जरलैंड की भाषा क्या है? इटालियन और जर्मन रोमानियन एंड फ्रेंच। मतलब कि यहाँ पे चार भाषाएं आती नहीं है ये कोई आपका टेस्ट होगा तो केवल एक भाषा आएंगी। हाँ आपसे पूछा जाएगा मतलब क्या मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन आ जाता है अगर एग्जाम दे रहे हैं तो कि स्विट्जरलैंड में कितनी भाषाएं होती हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 4 ओके और उनमें से मतलब कि उनमें से एक भाषा बताने के लिए आता है या फिर अगर चारों भाषा बताने को आता है आपको लिखना पड़ेगा तो आपको मार्क कर सकता है। और वैसे भी अगर आपको बताना है तो इटालियन फ्रेंच जर्मन रोमानियन यहाँ पर लिखा ही हुआ है। समझ में आया? एनी डाउट इज देयर एनी कंसेप्ट? ओके हम लोग आगे रोमानिया का रोमानियन स्पेन का स्पेनिश स्पेन का स्पेनिश स्पेन का स्पेनिश स्पेन का स्पेनिश
का स्वीडिश, यूनाइटेड इंग्लिश, यूनाइटेड किंगडम मींस इंग्लैंड इज इक्वल टू इंग्लिश। अभी आपको समझाते हैं, ये देखिए इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम एक कंट्री बन गई एक तरह से, हाँ। तो मतलब कि दोनों कंट्री और जो इंग्लैंड है वो स्टेट के नाम से जाना जाता है वहाँ के, और यूनाइटेड किंगडम की खुद की पार्लियामेंट्री है, इसका कैपिटल लंदन है, हाँ, तो उसका भी कैपिटल लंदन है।